आई लव यू लव यू ट्रस्ट मी आई लव यू खुदा की कसम हमने हमने अपनी बीवी को भी इतने प्यार से लव यू नहीं कराची वालों आई लव यू यहां से कह रहा हूं यहां से यहां से कह रहा हूं

And हमने जल से किए हम फिर बता रहे होते थे तस्वीर तस्वीर अच्छी कि भाई ये, ये वाली इस्तेमाल करो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा अंदर बाहर इट वॉज ऑल पैक एंड पीपल हर्ड अस के जी इसकी क्या वजह माइंड यू के जलसे से पहले हमने छह जलसे किए शहर में छोटे अलग अलग और उसको कलमिनेट किया यहां लाकर ठीक है तो एक तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भी एक एक मुतहद और मुनजम पार्टी है और ये कर रही दूसरी बात ये

पार्टी के अंदर और भी लोग हैं जिनकी सिमत मुख्तलिफ गई। वोट बैंक अपनी जगह पर मौजूद है मुश्किल फैसला था या आसान फैसला था क्या था मुश्किल फैसला था हाँ। तरफ भाई लेकिन सरकम uh, स्टांसेस ऐसे आ गए के या तो पूरी पी एस पी वाइप आउट हो जाती या पूरी एम के दोनों वाइप आउट नहीं हुए दोनों अपनी अपनी जगह पर एक स्टैंड लेकर एक क्लाउड लेकर खड़े थे और उस बीच में जो कुछ लोग हमारे साथ थे कुछ इनके साथ और बीच के कुछ लोग हम दोनों के जो है वो स्प्लिट होने की वजह से कुछ लोग मायूस होकर बैठे थे साइलेंट हो गए इसका फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को हो रहा था यहाँ पर और इस इलेक्शन में इसका फायदा जो है वो हो होता ये हमने इसको गेज किया हम अपने लोगों सारे, सारे तो फिर हमने एक स्टेप बैक करके ये हम तो आपस में तो कर लेंगे और एक दूसरे से बात करके हम किसी एक कॉमन पॉइंट लेकिन किसी जमात का इस तरीके से वापस आने की उम्मीद और इलेक्शन लड़ना यह रेयर है।, है कि स्टडी है पाकिस्तान के लिए ये जो हम लोग है ना जिन्होंने जो है ताकुजन साहब को बानी खैरबाद कहा हमने शायवे नहीं किया इसमें हम शर्मिंदा नहीं रहे इसके ऊपर वी वर सो वोकल एंड कन, जैसे कन्विक्शन के साथ हमने ये एतराफ़ किया कि भाई हम जो है वो गलत कर रहे थे और गलत साथ दे रहे थे इन इन चीज़ों पर और हमने कहा कि भाई ये ये गलत है सारा और हमने उसके बाद, बाद एक काउंटर नैरेटिव पेश किया मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आ, 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 हमने ये इसकी इसकी तमन्ना नहीं की कि हमें लोग अच्छा बोले हमें पता था कि लोग हमें गद्दार बोलेंगे गालियां बकेंगे लेकिन मुझे अंदर से ये कन्वेक्शन थी कि मैं सही कर रहा हूं तो पहला मरला आता है लोगों को को वो कहते हैं कि कन्फ्यूज करने का और फिर कन्वर्ट बाद में होते हैं तो पहले हमने लोगों को कन्फ्यूज किया एक अल्लाह ने मेहरबानी की कि कि हमारा किरदार अल्लाह ने ऐसा रखा था कि जब हम उनके साथ भी थे तो हम लॉयलिस्ट थे ना बिल्कुल हार्ड कोर लॉयलिस्ट थे तो हमने हमें कोई हमें किसी ने निकाला नहीं पैसों के लिए नहीं हमने नहीं छोड़ा हमसे तो कोई चीज सीट उन्होंने नहीं छीन दी तो जब हमने खड़े होकर जब ये बात और सारे लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से एम में जो पहले लोग थे तो हमारा एक कन्विक्शन हो गया कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है आपस में हम जब बात करते हैं और हमें जो है उससे जान छोड़ानी और ये गलत हो गया कौन के साथ उसमें डेफिनेटली टाइम लगा लोगों को इसलिए हमने लोगों का हमने ही बताया था भाई ये मसीहा है तो ये जो कन्विक्शन है ना इस कन्विक्शन ने आज ये कन्विक्शन आज ये ये नौबत ले आई है कि दोबारा लोग जो है उन तमाम मराइल से गुजर कर आज जो है फिर जो है वो उस जगह पे आ गए कि जहाँ पर अब हमारी बात सुन रहे हैं और तो मान आपका ये जो तगैर तबदल आया पार्टी के अंदर मैंने कुछ शुमार भी दिखाए अट्ठासी से लेकर दो हजार तेरह तक आ, और उसके बाद अट्ठारह में यकदम जिस कोलैप्स तो वो आपको लगता है कि ये वोट बैंक आपका वापस आ रहा है 2018 के इलेक्शन को आपको पता है क्या इलेक्शन कह नहीं सकते उसको आ, मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ पीडीआई के जो बेचारे जाकर घर पे सो गए थे रात में उनके घर वालों ने उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई थी आई मीन इवन इमेजिन करें कि अजीजअबाद से जो है वो बंदा जीत रहा है इतनी एम क्यूम भी मीन थी वीक हो गई थी सब चीजें लेकिन ऐसी वीक नहीं हो गई थी एम क्यूम के जो है वो अजीजा बा से को जीत जाए और गुलशन इकबाल से जो है वो तो वो जाकर बेचारे सो गए थे तो उनको तो चौदह सीटें दी गई हैं उस दिन दो हजार अठारह में वो यूथ जो है जिसको बताया गया कि पीटीआई इज द अल्टीमेट हो मुतबादल है वो वाक आपकी तरफ वापस आ रही है या क्या हो रहा है मतलब वो यूथ जो है जिसके बारे में कहते हैं गुमराह हो चुकी है आम अल्फाज में या पीटीआई नजर आती तो वास्ता हो गई है वो वापस आ रही है चल वे वेरी ऑनेस्ट विथ यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू देखिए पंजाब की डायनामिक्स और हैं कराची की डायनामिक्स जो थोड़ी सी डिफरेंट है पंजाब से यहाँ पर पीटीआई का वो वाला आ, और, और नहीं रहा ठीक है और यहाँ पर एक, एक यहाँ पर कुछ कुछ हलके हैं जैसे डिफेंस आप चले जाएंगे क्लफ्टन चले जाएंगे आपको वो लोग लगेंगे

कि भाई पीपल्स पार्टी जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी की है और आपको जो है वो पीटीआई चाहिए तो मैं बोलूंगा भाई जो है पीटीआई चाहिए क्योंकि आप उसको देखकर अपने फैसले करें क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि अभी भी लोग तो वहां पर शायद उनकी मोहब्बत का वोट कम हो लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनसे जो है वो उनकी नफरत का या उनके उनसे नाराजगी का वोट ज्यादा है ये कितना क्रुशल है आपकी इस जिनके खिलाफ हम खड़े हुए हमेशा के लिए सर उठाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है फिलियर थ, फिलियर कैसे लग रहे हैं बीस में से हम सत्रह सीटों पर हम दो हजार तेरह की पोजिशन पे तलब भी वापस जाएंगे इनशाला और वोट बैंक आपका इंक्रीज करेगा दो हजार तेरह में वोट बैंक भी आपका मतलब सत्रह अठारह लाख के करीब जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इंक्रीज करेगा बिल्कुल इंक्रीज करेगा हमने ये हमने भी कुछ मॉडिफिकेशन uh, किए हैं अपने यहाँ हम पहले वो आवाज लगाते तो समझते थे लोग आज नहीं बनाया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बना रखे हमने, वोटर एप्स बना रखेल कारकुनों के एपस, तो बड़ी एक शहबाज शरीफ ने एक सीट के ऊपर विद्रॉ किया आपके सामने उसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में मेरा ये ख्याल है शायद सिग्नल कर रहे हैं अगर हमने हुकूमत बनाई तो आपने उनकी दोस्तों की

और मैं बाल और लोगों को भी फेस सेविंग हो जाए मैं लोगों को कहूँ कि भाई भाई देखो तुम्हारी वजह से मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा तो जब यहाँ पर जमीन इंतबात होंगे तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर तो और नीचे के प्रोन्शल लेवल के लोगों की कोई बात नहीं थोड़ी जब हमने ये बाली बात कंसीड कर दी तो उनके दोस्तों की तरफ से आई कि वो प्रोन्शियल असेंबली की सीटें भी जो है छोड़ने की बात हुई उस पर हम थोड़ा सा जो है वो आर्गूमेंट कर रहे थे बात कर रहे थे गुफ्तु कर रहे थे अभी ये आर्गूमेंट चल ही रही थी कि वहाँ से उन्होंने यूनिलिटरीली ये ऐलान कर दिया कि हम नहीं लेकिन उनके नुमाइंदे हैं यहां पर ठीक पी एम एल एन के नुमाइंदे मेरे सामने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं शहबाज शरीफ ने खुद से खुद को साब को विड्रॉ कर दिया